हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब अपने अपने घरों में सेफ हो, सुरक्षित हो। तो अभी हम लोग हैं सोलन से लगभग 13 किलोमीटर दूर, नोनी जगह का नाम है जहाँ पे अभी हम हैं। और नौनी से जो है वो हमने ट्रैक शुरू किया है, और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो एक हिस्टोरिक प्लेस है। और अभी जो वो जगह है वो गोरखा फोर्ट नाम से जानी जाती है, धारों की धार वैसे जगह का नाम है, बट वो फोर्ट के लिए काफ़ी फेमस है, गोरखा फोर्ट। तो वैसे तो जो रियल रास्ता है जहाँ से गाड़ियाँ जाती है वो जौना जी से एक रास्ता आता है धारों की धार के लिए। तो अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो आप उस जगह से आ सकते हैं। हमें भी इस जगह का ज़्यादा पता नहीं था, तो हम बाय नोनी आ गए बाय मिस्टेक। और ये जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पड़ रहा है हमको। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का जो है वो अब हमको ट्रैक चलना पड़ रहा है। तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस जगह के बारे में, तो फिलहाल तो अभी हम जंगलों में, ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा जंगल। सिटी वाला इलाका यहाँ से अभी दिख नहीं रहा है, वो मैं आपको थोड़ा ऊपर पहुँच के दिखाऊंगा। तो हमें एक छोटा सा रोड जो है वो मिला है, और हम उसी रोड को जो फॉलो किए जा रहे हैं। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, बट बिल्कुल एग्जैक्ट रूट। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है नौनी, और यहाँ से हम अभी घूमते घूमते पूरा ऊपर तक आए हैं। ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर तो हम चल लिए होंगे अभी, और अभी हमको थोड़ा और जाना है, आधा घंटा भी हमें और चलना पड़ेगा। और रास्ता हम खुद से ही बनाए जा रहे हैं। लिटरली एक हमको पगडंडी सी मिली है, बस उसी को फॉलो किए जा रहे हैं, और अब तो ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। बाकी देखते हैं पहुंचते हैं या नहीं। तो हम अभी कुछ ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ते के नाम पे तो सिर्फ यही आपको दिख रहा है, हल्की सी पगडंडी, बाकी पूरा घास और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल। तो अभी तो हम सिर्फ चले जा रहे हैं। अब हमको जो है थोड़ी ऊपर जो है वो मेन रोड भी दिख रहा है, तो सिर्फ अपने को उधर पहुँचना है, उसके बाद फिर अपने लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे को टेढ़ा टेढ़ा जाना पड़ेगा ऊपर के लिए। टेढ़ा टेढ़ा मस्त प्लानिंग। घास देखने में सही लगती है, बट इसमें क्या एक खतरा रहता है कि कहीं से भी सांप बिच्छू कुछ भी निकल सकता है, और मुझे सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फाइनली 1.5 घंटा हो गया चलते चलते, और शर्ट की हालत आप देख ही सकते हैं, पूरी गीली हो गई है, और थोड़ा खा पी रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, बिकॉज हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अभी थोड़ा पसीना ठंडा करते हैं,
व्यू का मजा लेते हैं और फिर जो है फिर से चलना शुरू करेंगे। तो अभी बज रहे हैं 5:04 और फाइनली हम लोग जो है फोर्ट पहुंच चुके हैं और यह है फोर्ट के आगे का नज़ारा और ये आप पीछे मेरे देख सकते हो फोर्ट। तो ये आप देख सकते हो यह है फोर्ट के आगे का व्यू, एकदम खुला ग्राउंड है और एंट्रेंस है पूरी। फोर्ट का काफ़ी हिस्सा टूट गया है तो छत तो बिल्कुल है ही भी नहीं कहीं भी, सिर्फ और सिर्फ जो है वॉल्स बचे हैं, ये आप देख सकते हैं। और लोग यहाँ पे कैंपिंग करने आते हैं। तो अब चलते हैं इस किले के ऊपर और ऊपर से दिखाते हैं आपको ये किला किस चीज़ के लिए फेमस था। हम पहुंच गए हैं किले के ऊपर। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं किले के ऊपर और ये जो है पूरा खंडर और यहाँ से जो व्यू है वो आपको दिखाता हूँ। सोलन के ऐतिहासिक गांव धारो की धार में बघाट रियासत के पहले राजा राजा जामवान और रानी जामवंती ने इस किले का निर्माण करवाया था। ये किला 22 घाटों से मिलकर बना बघाट इस रियासत के सभी राजाओं की गाथा सुनाता है। इस किले में राजा की सेना के लिए खास तौर पर महल को बनवाया गया था। महल की खास बात यह थी कि अगर कभी सेना पर हमला होता है तो महल के अंदर से गोली बाहर जा सकती है लेकिन बाहर से अंदर नहीं आ सकती थी। टूरिस्ट के लिए जगह हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रही है। सुविधाएं ना होने के बावजूद यहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। इस किले की रजिस्ट्रेशन का मुद्दा काफ़ी समय से उठता रहा है लेकिन अभी भी यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं हो पाया। आपको बता दूं कि धारो की धार के किले के जरिए शिमला, कसौली, अर्की, चायल और शिमला से लगने वाली सारी रियासतों पर नज़र रखी जाती थी। इसके बाद लूटपाट के लिए गोरखा ने इसी किले का इस्तेमाल किया था, तब से इस किले को गोरखा फोर्ट का नाम दे दिया गया। किले का 80% पार्ट ऑलमोस्ट टूट गया है, देखने के लिए सिर्फ दीवारें बची हैं, पर इस जगह की खूबसूरती लोगों को अभी भी अपनी ओर खींच ले आती है। हाँ, तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5:50 और हम लोग फोर्ट से निकल गए बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए। अभी घर भी पहुंचना है तो प्रॉबेबली बस तो हमारी मिस हो ही जाएगी। लास्ट बस जो है वो 7:30 तो यहाँ से भी हमको अभी जो है ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लगेगा ही पैदल चलते चलते बिकॉज यहाँ पे जो है वो बसेस भी कम हैं और अब हम लेट तो हो ही चुके हैं ऑलरेडी तो बस का मिलना भी मुश्किल ही है। तो काफ़ी ट्रेजेडिक जर्नी रही है हमारी स्टार्टिंग से ही।
वो भी तो सिर्फ चले जा रहे हैं वही, बट ये है कि अब हमारे पास हमको रास्ता जो है मिल चुका है, तो अभी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। पहले जो हम जहाँ चल रहे थे वो तो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई कि हम लोग उधर से आए हैं। तो बस ऐसी कुछ जर्नी अभी चल रही है। जंगल धीरे धीरे घना 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 और घना होता जा रहा है, और अब थोड़ा डर भी लगने लगा जंगल देख के। देख सकते हैं आप कितना घना जंगल है, सिर्फ और सिर्फ जंगल। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रोड पे, और ये जो रास्ता हमको मिला है ये सीधा निकलेगा जटोली। तो अब तो हम सोलन पहुंच ही जाएंगे। तो फ़ोन की जो बैटरी है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो अब व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ बी हैप्पी, पीस आउट।